नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आम के पौधे पर हमें पहला स्प्रे किस दवा का करना चाहिए और या स्प्रे किस समय में करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कितनी डोज लेनी है दवा की, यानी दवा की हमें कितनी मात्रा पर पौधे के अनुसार इस्तेमाल करनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। हमें कौन सा बेस्ट केमिकल इस्तेमाल करना है अपने पौधे के लिए, जिससे उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग हो, ज़्यादा उसमें बौर लगे और हमारा जो आम का फल है वह बहुत ही बढ़िया और बड़ा बड़ा हो। किसान भाइयों, इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो की कोई भी बात ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आम के पौधे पर हमें किस दवा का स्प्रे करना चाहिए और कब करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आम के पौधे पर बहुत सारे स्प्रे होते हैं, कम से कम 3-4 स्प्रे आपको आम के पौधे पर करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं पहले स्प्रे के बारे में, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला स्प्रे आम के पेड़ में आपको तब करना है जब आपके आम के पौधे में बौर लगना शुरू हो जाए, यानी कंप्लीट पूरी बौर लगी ना हो, बौर लगने से पहले आपको इसका स्प्रे करना है। जब आपको दिखने लगे कि हाँ अब पौधे में बौर लगने वाली है, उसके पहले आपको अपने आम के पौधे पर इसका स्प्रे कर देना है। यदि दोस्तों आपके पास बाग है या आपने खाने के लिए स्वयं अपने के लिए 2 या 3-4 पेड़ 10 पेड़ लगा रखा है तो भी आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। यदि आप इसको कॉमर्शियल पर्पज से करते हैं, जैसे यदि आप आम की बाग को ख़रीद लेते हैं और उसको फिर स्प्रे करके उसकी रखवाली करके आम आप मार्केट में सेल करते हैं, तब भी आपको इसका स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। स्प्रे करने से हमें ये फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो पौधा होता है आम का वह मजबूत हो जाता है, उसमें जो फ्रूटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, फल हमारे जो होते हैं आम के वो बड़े बड़े होते हैं, उनका वेट बढ़ता है जिससे हमें मार्केट में ज़्यादा माल उतारने में आसानी होती है और साथ में हमें ज़्यादा मुनाफा कमाने का आसानी से फ़ायदा हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं पहले स्प्रे के बारे में, तो पहला स्प्रे आपको जो है आम के पौधे में बौर लगने से पहले करना है। पहले स्प्रे में आपको किस प्रकार के दवा का इस्तेमाल करना है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पहले स्प्रे में दो चीज़ का इस्तेमाल करना है, पहले तो सल्फ़र, दूसरा इंसेक्टिसाइड। पहले हम बात कर लेते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र आपको कौन सा इस्तेमाल करना है? किसान भाइयों, आपको सल्फ़र जो है वह WDG इस्तेमाल करना है। 80% WDG नाम से आता है या विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। आप अभिमन्यु कंपनी या दयाल कंपनी या बहुत सी ढेर सारी कंपनियां हैं जो सल्फ़र 80% WDG बनाती हैं, उसको आप ले लें और अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। यदि दोस्तों आपका जो पौधा है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है, तो आपको सल्फ़र की मात्रा 5 ग्राम पर लीटर रखनी है। यदि आपका पौधा छोटा है और उसमें थोड़ा कम पानी लगता है तो आपको 2 से 3 ग्राम पर लीटर सल्फ़र की मात्रा रखनी है। आपको जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, यदि आपका पौधे में जैसे आम का है उसमें 20 लीटर पानी लगता है, तो यदि बड़ा पौधा है जहाँ उसका डायमीटर ज़्यादा है, बहुत फैला हुआ है, तो आपको 5 ग्राम पर लीटर इस्तेमाल करना है। इस हिसाब से अगर यदि आपके पेड़ में 20 लीटर पानी लगता है तो आपको 100 ग्राम सल्फ़र एक पेड़ पे इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, सल्फ़र किसान भाइयों हमारे जो आम का पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल को बढ़ा देता है और क्लोरोफिल बढ़ जाने से आम के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में भोजन बनाते हैं, जिससे उसमें शक्ति आती है और बौर जो होती है वो हमारी हष्ट पुष्ट एकदम बढ़िया बौर निकलती है, उसमें कोई भी कीड़े नहीं होते। कभी कभी आपने देखा होगा कि बौर सूख जाती है, उसमें माटे या चींटी जो होते हैं ये सब जाके उस पर बैठ जाते हैं और हमारी जो बौर होती है वो ख़राब हो जाती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के जाले लग जाते हैं, उससे क्या होता है बौर पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और उसमें फिर टिकोरे होते हैं वो नहीं लगते हैं, बहुत ही कम लगते हैं। तो इसलिए आपको सल्फ़र का स्प्रे ज़रूर अपने आम के पौधे पर करना है। आपको इससे यही फ़ायदा होगा कि आपकी जो बौर होगी वो बहुत ही बढ़िया निकलेगी और सल्फ़र आपका जो ये सल्फ़र है ये आपके पत्ते में क्लोरोफिल हरापन बढ़ा देता है, जिससे ये आपको फ़ायदे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है।
किसान भाइयों, आपको एक ऐसा इंसेक्टिसाइड लेना है जिसमें जो कॉम्बिनेशन में हो, जिसमें दो केमिकल का मिश्रण हो, एक ऐसे इंसेक्टिसाइड जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हो। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो आपके पौधे के सिस्टम में चला जाए, यानी जो आपके पौधे में जाइलम और फ्लोएम होती है वो उसके माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाए। यानी जब पौधे के अंदर कोई समस्या होगी, कोई उसमें प्रोटीन या फिर आप उसमें बोल सकते हैं कीटाणु अंदर से कोई अटैक कर रहे होंगे, तो वो उसको पूरा एकदम अंदर से उसका सिस्टम एकदम सही हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, वैसे पेड़ और पौधे में जो जाइलम फ्लोएम का एक कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, वो आपके पौधे में जब वो इंसेक्टिसाइड अंदर चला जाएगा तो वो टिश्यूज के माध्यम पूरे पेड़ में फैल जाएगा और आपका पौधा अंदर से एकदम सुरक्षित हो जाएगा। उसमें कोई भी कीटाणु अटैक नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी जो बाहर से कीटाणु होते हैं वो उस पर बैठेंगे और उसको मतलब चाटेंगे बौर को या पत्ते पर बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पौधा एकदम सुरक्षित रहेगा। ये आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड काम करता है, ऐसे काम करता है। और इसमें आपको जो मैंने दूसरा बताया कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है किसान भाइयों, जब भी कोई कीड़ा या फिर मान लीजिए कोई भी मक्खी है जो आपके आम के पौधे पर बैठेगी, पत्तियों को चाटेगी, बौर को चाटेगी, तो वो कॉन्टैक्ट में जैसे ही पौधे के आएगी वह तुरंत ही चाट कर मर जाएगी, बेहोश हो जाएगी, क्योंकि आपने पौधे के ऊपर एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। आपको यही दो कॉम्बिनेशन के इंसेक्टिसाइड लेने हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कौन सा लेना है। दो किसान भाइयों, दो आता है, एक प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन आता है, यदि आप ये मिल जाए तो इसका इस्तेमाल कर लें, नहीं तो क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन, इसका भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल होता है, आप इसको ले लें और इसको स्प्रे कर दें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। दोस्तों, आपको जो इसकी डोज रखनी है वह 1.5 ml से 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। यदि आपका पौधा बहुत बड़ा है और उसका डायमीटर ज़्यादा है, बहुत फैला हुआ है, तो आपको 2 ml पर लीटर इस्तेमाल करना है। यदि छोटा पौधा है तो 1.5 ml पर लीटर इस्तेमाल करना है। आप एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को मार्केट से परचेज कर लें और अपने पौधे के आम के पौधे के ऊपर स्प्रे कर दें। इससे आपको ये फ़ायदे होंगे जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बढ़िया आइडिया है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यदि आप इसका स्प्रे कर देते हैं अपने आम के पौधे पर, आपके आम के पौधे एकदम सुरक्षित हो जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कीटाणु नहीं लगेंगे। आपने अक्सर देखा होगा आम के पौधे पर माटा या फिर जो चूटियाँ होती हैं ये सब बैठकर बौर पे मतलब जाकर चाट लेती हैं, जिससे क्या होता है पूरी बौर हमारी ख़राब हो जाती है, उसमें टिकोरे नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं और वो पूरा हमारा जो सीज़न होता है आम का वो ख़राब हो जाता है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये उपाय बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और सल्फ़र जो होता है मार्केट में बहुत ही महंगा नहीं आता, बहुत ही सस्ता होता है, ये 120 से 130 रुपए किलो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और जो मैंने आपको इंसेक्टिसाइड बताया है ये 100 ml की बॉटल आती है, वह 100 से 110 रुपए में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। जितनी आपको आवश्यकता हो मार्केट से परचेज कर लें और अपने पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर दें, आपको लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।